नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2018 का राशिफल। कैसी रहेगी आपकी मनोस्थिति, कैसा होगा आपका स्वास्थ्य, कैसे रहेगी आपकी इनकम या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या अगर आप विवाहित है तो आपके विवाहित जोड़ीदार के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपके जो घर वाले हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, या फिर आपकी अगर कोई संतान है उस संतान के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दिसंबर 2018 के लिए मीन राशि वालों के लिए उनकी ग्रहों की स्थिति। दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस मून राशि के ऊपर आधारित है, तो अपने चंद्र कुंडली को फॉलो कीजिएगा। तो मीन राशि का जो स्वामी है गुरु, वह आपके भाग्य भाव में आया है 11 अक्टूबर से, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ है। यह गुरु पंचम दृष्टि से आपके लगन को, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो आपका जो माइंडसेट होगा इस महीने वो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, जहाँ पर आप काम करते हो, अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप गृहिणी हो, या फिर आप अगर कोई बिजनेसमैन हो, या फिर आप जहाँ पर नौकरी करते हो, तो वहीं पर आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके काम के प्रति रहेगा। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये तकरीबन पूरे साल आपको नजर आएगा, और जिसे हम लक फैक्टर बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा होगा और आपके विचारों में भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। उसी प्रकार जो मंगल है वो आपके राशि में आने वाला है 24 तारीख के बाद। इससे पहले तकरीबन नवंबर के 10-12 दिन और दिसंबर के जो ये 24-25 दिन है, उन दिनों में ये मंगल आपके व्यय भाव में रहेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा तकरीबन 10-12 दिनों से और आगे आने वाले 24 तारीख तक आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहोगे, और ये जो टेंशन या स्ट्रेस रहेगा वो अनवांटेड रहेगा, मतलब उसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, फिर भी आपको स्ट्रेस आएगा। हालांकि ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस बहुत मायनों में आपके पैसों से लेकर है। हम जो पैसे जो सेविंग करना चाहते हैं, जो अर्न करते हैं, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब आप इस दिसंबर महीने में भी देखोगे कि खर्चे थोड़े बढ़ रहे हैं, आप जैसा चाहते हो उसी प्रकार नहीं हो रहे हैं, या फिर पैसों के मामले में घर के लोगों के साथ दो बात हो सकती है। तो आपके जो ग्रह योग है, पैसों के मामलों में परिवार जनों के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। उसी प्रकार आपके राशि का जो मंगल है वो नेपच्यून के साथ युति में भी जा रहा है, और उसका जो प्रभाव होगा वो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पैसों के मामले में थोड़ी बहुत स्ट्रेस आ सकती है 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, तो उसके बारे में थोड़ा तैयार रहना और खर्चे के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो राशि सोचने में थोड़ी कम है और इमोशनल ज्यादा है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने रो लिया और कुछ पैसे मांग भी लिए तो आप अपने जेब से निकालकर पैसे दे देंगे, आप ये भी नहीं सोचेंगे कि आपके लिए पैसे बचे हुए हैं या नहीं, लेकिन सामने वाले के दुख दर्द से आप जल्दी प्रभावित हो जाते हो, जिसके वजह से क्या होता है कि आप अपने जो पैसे है वो खर्च कर लेते हो और बाद में देखा जाए तो तकलीफ आपको ही होती है। तो जैसे कि पिछले 10-12 दिनों से भी आपने अनुभव किया होगा पैसे आपके हाथ में नहीं रुक रहे हैं, तो यही बात रहेगी दिसंबर महीने में, तो इस बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से जो ये आपकी खर्चे करने वाली जो टेंडेंसी है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उसी प्रकार जो आपका तृतीयेश और आपका जो अष्टमेश है शुक्र, वो आपके अष्टम भाव में ही स्थित होगा, तो इसका प्रभाव ये होगा कि जिस विषय पर आप काम करते हो वहाँ पर ही आपका मुख्य फोकस रहेगा। हालांकि आपके ससुराल के लोग, अगर आपकी शादी हुई है तो आपके संबंधियों के साथ आपकी थोड़ी तुतु मैमे हो सकती है, और वो जो कालावधि है वो दिसंबर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का है, तो आप थोड़ा इन वार्तालापों से बचे। लेकिन ये जो बात है ये 6-7 दिनों की बात है, उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स आपके राशि के लिए नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपका जो चतुर्थेश है और सप्तमेश है जो कि बुध है, वो आपके भाग्य भाव में है। तो पिछले करीबन 10-12 दिनों से आपने देखा होगा कि बुध आपका वक्री हो गया है और दिसंबर के 6-7 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। लेकिन इन दिनों में आपने देखा होगा जो आपके घर के लोग हैं उनके साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, और जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपके मन मुटाव चल रहे थे। जैसे कि मैंने शुक्र के बारे में भी कहा, तकरीबन 1 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक जो घर के जो लोग हैं और जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी थोड़ी साठ गांठ नहीं जमेगी।
हार्मनी नहीं रहेगी। किन्हीं ऐसे मुद्दों के कारण कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन 8-9 तारीख के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए आपके राशि के लिए आपको नजर आएंगी। क्योंकि आपके भाग्य भाव में जो गुरु है वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स को ज्यादा देर तक नहीं रहने देगा। वो आपको नॉर्मल ये सिचुएशंस को नॉर्मल होते हैं, ये सिचुएशन को नॉर्मल होने में गुरु की आपको सहायता मिलेगी। उसी प्रकार जो आपका षष्टेश रवि है वो रवि आपके भाग्य भाव में जाएगा, उसके बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 16 तारीख के बाद। तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का जो वातावरण होगा बहुत ही अच्छा और शुभ होगा। वैसे ही 16 तारीख के बाद ये जो रवि है आपके भाग्य भाव से आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, मतलब 17 तारीख के बाद जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आपका व्यवसाय है, वो स्थान पर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, आपकी काम की सराहना होगी। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में जो गुरु है उस गुरु के कारण आपकी सोच भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। ये जो रवि है आपके काम के क्षेत्र में आपके प्रमोशंस भी ला सकते हैं, आपकी आय में वृद्धि भी कर सकती है। तो इस महीने आपके लिए शुभ समाचार आना तो निश्चित है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में जो शनि है वो शनि आपका लाभेश भी है और व्ययेश भी है। ये शनि आपको थोड़े बहुत स्ट्रेस दे सकता है। हालांकि रवि और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है और जो परिणाम होगा वो 2 से लेकर 6 तारीख तक का होगा, तो उसका इफेक्ट ये रहेगा इन दिनों कि जहाँ पर आप काम करते हो जो आपके कलीग्स रहेंगे उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी तूतू मेमे हो सकती है, उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता है। मीन राशि वाले लोग ज्यादा तूतू मेमे करने वाले नहीं होते हैं, थोड़े वो इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर भी आपके काम के क्षेत्र में थोड़ी बहुत इस तरह की परेशानियां आ सकती है। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए दिसंबर 2018 का महीना मीन राशि के लिए नॉर्मल ही जाएगा। दोस्तों हर महीने में हर राशि के लिए कुछ ऐसे शुभ और अशुभ बर्थडेट्स होते हैं जिनके लिए महीना उसी प्रकार का समय निर्धारित हो जाता है। तो जो बर्थडेट्स इस महीने बहुत अशुभ जाने वाले हैं वो बर्थडेट्स हैं जिनका जन्म मार्च 27 तारीख से लेकर अप्रैल के 5 तारीख तक का है, जून 27 तारीख से लेकर जुलाई के 5 तारीख तक का है, सितंबर 27 तारीख से लेकर अक्टूबर के 5 तारीख तक का है, दिसंबर 27 तारीख से लेकर जनवरी 5 तारीख तक का है, जुलाई 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का है और जनवरी 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का है। तो जिनका जन्मदिन इस जन्म तारीख में है जो कि मैंने अभी गिनवाए, तो उनके लिए दिसंबर 2018 का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाला रहेगा। तो इस महीने आप लोग किसी भी तरह के बड़े निर्णय नहीं लेना, किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना इस महीने। अगर आप ऐसे कोई बड़े डिसीजंस या रिस्क लेते हो तो वो 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं और आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। तो दोस्तों दिसंबर 2018 के लिए जो बर्थडेट्स शुभ है वो बर्थडेट्स हैं मार्च 23 तारीख से लेकर अप्रैल के 3 तारीख तक का है, जुलाई 23 तारीख से लेकर अगस्त के 3 तारीख तक का है और नवंबर 23 तारीख से लेकर दिसंबर 3 तारीख तक का है। ये जो बर्थडेट्स मैंने आपको बोले ये बर्थडेट्स जिनके हैं उनके लिए दिसंबर 2018 का महीना बहुत ही शुभ और अच्छा जाने वाला है। जो भी वो काम कर रहे हैं उनपे उनको 100% सफलता मिलने वाली है। जो भी उनके काम रुके हुए थे, अगर वो शादी के मामले हो, अगर वो इनकम में या फिर प्रमोशन में, वो सारे काम आपके निपट जाएंगे इस महीने। अगर आप कोई नए डिसीजंस लेना चाहते हो या फिर कोई नए कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आप निश्चिंत रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शुभ और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि के लिए दिसंबर 2018 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, धन्यवाद।